आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही है और अभी तक जो हमने 20 लेसन्स पढ़े हैं थर्मोडायनेमिक्स में, आपने वो सब कवर किए होंगे और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अभी तक जो पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपने लगाए हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर से लगाए हैं या फिर आपके पास जो भी वर्क बुक या टेक्स्ट बुक अवेलेबल है उससे लगाएँ। बट हाँ, साथ साथ क्वेश्चन लगाना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप साथ साथ क्वेश्चन लगाएंगे तो जो अपकमिंग लेसन है वो आपको अच्छे से समझ आएंगे, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आएगी, मतलब जो ग्रैप्स करने की एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी। कुछ लोग बोलते हैं कि सर काफ़ी लोगों को क्लास में या फिर लेसन के टाइम उनसे बेटर समझ आता है, उनसे बेटर तरीके से वो ग्रैप्स कर लेते हैं, उनसे जल्दी उनसे अच्छा परफॉर्म करते क्लास में। उनका रीज़न एक ही होता है, जो क्लास हो चुकी होती है उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन लगा लेते हैं तो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है उस टॉपिक को लेके वो अच्छी हो जाती है। तो अपकमिंग जो लेसन्स होते हैं डेफिनेटली वो पुराने वाले लेसन पे कुछ ना कुछ डिपेंडेंट होगा, कुछ ना कुछ उस लेसन का पार्ट आएगा पीछे से जो डायरेक्टली यूज़ होगा। अब आपने अगर प्रैक्टिस नहीं की है तो आपको याद नहीं होगा, और याद नहीं होगा तो फिर आपको वो नेक्स्ट लेसन में एफिशिएंसी अच्छी नहीं आएगी। तो आप एक चीज़ हैबिट में डाल लीजिए कि एक लेसन जो आप देखते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, फिर आप नेक्स्ट लेसन पे जाएंगे। लेसन नंबर 21 में हम देखेंगे टीएस डायग्राम और कार्नोट साइकिल। थोड़ा 10-15 मिनट ध्यान से सुनेंगे तो डेफिनेटली जो बेसिक्स हैं सब क्लियर हो जाएंगे, क्वेश्चंस फिर आप चाहे जितने टफ लगा लिए सब लग जाएंगे, बस बेसिक क्लियर होने चाहिए। देखो टीएस डायग्राम बनाते हैं, हमने पिछले लेसन में इक्वेशन पढ़ी थी DS, चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू डेल क्यू बाई टी प्लस डेल्टा एस जनरेशन। डेल्टा एस जनरेशन जीरो हो जाएगा अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो इक्वेशन अपनी चेंज होकर हो जाएगी DS इज इक्वल टू डेल क्यू बाई टी। टी को लेफ्ट साइड लाएंगे तो TDS इज इक्वल टू डेल क्यू हो जाएगा। अब देखिए TDS इज इक्वल टू डेल क्यू है, अब अगर टेम्परेचर और एंट्रोपी के ग्राफ की बात करें तो टेम्परेचर वर्टिकल एक्सिस पे है, हाइट और बेस एक्सिस पे आपका एस है, तो हाइट इनटू बेस एरिया होता है, मतलब जो भी कर्व आपका है उसमें अगर ये सॉल्व किया जाएगा डेल क्यू इज इक्वल टू टी डी एस, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एरिया के बराबर आएगा। बट अगर इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, स्मॉल एलिमेंट के लिए देख रहे हैं, तो डेल क्यू इज इक्वल टू टी डी एस इज इक्वल टू डी ए। डी ए मतलब जो आपका टी एस कर्व के अंडर जो एरिया आ रहा है वो। हाँ, अगर किसी एक प्रोसेस की बात करेंगे तो पूरे प्रोसेस में जो एरिया उसके अंडर आया वो आपका हीट इंटरेक्शन के इक्वल आ जाएगा। हीट ट्रांसफ़र इन अ प्रोसेस रिवर्सिबल होना चाहिए इज एरिया अंडर टीएस डायग्राम। पीवी डायग्राम हमने पढ़ा था कि एरिया अंडर पीवी डायग्राम इज़ वर्क। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि एरिया अंडर टीएस डायग्राम आपका हीट इंटरेक्शन उस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए। अब देखते हैं कार्नोट साइकिल। देखो कार्नोट साइकिल पीवी डायग्राम अगर देखते हैं तो 1-2 एडियाबैटिक कंप्रेशन है, 2-3 आइसोथर्मल हीट एडिशन। देखिए कंप्रेशन का जो एडियाबैटिक है तो स्लोप ज़्यादा है, आइसोथर्मल का स्लोप कम है, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। 2-3 आइसोथर्मल हीट एडिशन है, एक्सपेंशन भी होगा, एंड 3-4 अगेन एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, 4-1 आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन। यही चीज़ अगर हम टीएस डायग्राम में बनाएंगे तो प्रोसेस 1-2 रिवर्सिबल है और एडियाबैटिक भी है। तो हमने पढ़ा था रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में हमेशा एंट्रोपी चेंज जीरो होगा। एंट्रोपी चेंज जीरो होगा इसका मतलब है कि जो टीएस डायग्राम है उसमें वर्टिकल लाइन आएगी। 2-3 आइसोथर्मल है तो हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, टेम्परेचर सेम रहेगा, हीट एडिशन होगा, 3-4 एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब एडियाबैटिक भी है और आइसोथर्मल भी है, सॉरी एडियाबैटिक प्रोसेस भी है एंड रिवर्सिबल भी है, तो जो एंट्रोपी चेंज है वो ज़ीरो रहेगा तो वर्टिकल लाइन आएगी। 4-1 आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, यहाँ से हीट रिजेक्ट होगी। अब एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि अगर जो चारों प्रोसेस देखे हैं इनमें हीट यहाँ एडिशन हुआ है, यहाँ रिजेक्शन हुआ है, ये नेट हीट बच गया। तो ऑब्जर्व करने वाली बात ये है फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस अब इनमें जो नेट हीट
इंटरेक्शन है वो नेटवर्क के बराबर आएगा, अगर रिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं तो। जो नेट जो काम हुआ है वो जो वर्क आया ये अपनी अवेलेबल एनर्जी है, जो हीट रिजेक्ट हो गई है जो हम यूज़ नहीं कर पाए वो अनअवेलेबल एनर्जी है। कुछ बातें ध्यान रखने की जो है, एरिया अंडर टीएस डायग्राम रिप्रेजेंट्स हीट इंटरेक्शन फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस। एरिया एनक्लोज्ड बाय अ रिवर्सिबल साइकिल ऑन टीएस डायग्राम रिप्रेजेंट्स नेट हीट ट्रांसफर विच इज इक्वल टू नेट वर्क ट्रांसफर। क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस के लिए स्टेट वन और स्टेट जो फाइनल होगी वो सिमिलर होगी और सिमिलर स्टेट के बीच में इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो रहेगा, तो डेल क्यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू डेफिनेटली आएगा रिवर्सिबल प्रोसेसेस के लिए। ऑल क्लॉकवाइज रिवर्सिबल साइकिल रिप्रेजेंट्स पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस ऑन टीएस डायग्राम एंड ऑल एंटी क्लॉकवाइज रिवर्सिबल साइकिल रिप्रेजेंट्स पावर कंज्यूमिंग डिवाइसेस, एग्जांपल रेफ्रिजरेटर। अब देखते हैं टीडीएस इक्वेशंस कॉम्बिनेशन है फर्स्ट लॉ का एंड सेकंड लॉ का। देखिए कैसे है, पहले जब हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा था, अगर क्लोज सिस्टम है साथ के साथ अगर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का चेंज भी जीरो है और क्वासिस्टेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो हमने फर्स्ट लॉ के लिए ये इक्वेशन पढ़ी थी, डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो सेकंड लॉ कहता है कि ये इक्वेशन है जो हमने अभी आज ही पहले स्लाइड में पढ़ी है, डेल क्यू इज इक्वल टू टी डी एस। अब यहाँ से डेल क्यू की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे तो जो अपनी इक्वेशन आती है टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, ये पहली टी डी एस इक्वेशन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बनेंगे। आगे देखते हैं एंथैल्पी जो हमने पढ़ा था एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे, एच का डिफ्रेंशिएशन डी एच, यू का डिफ्रेंशिएशन डी यू, पी वी का डिफ्रेंशिएशन पी डी वी प्लस पी डी पी। बट ये जो क्वांटिटी है डी यू प्लस पी डी वी अभी हमने पढ़ा है ये टी डी एस है, पीछे जो इक्वेशन नंबर वन पढ़ी है, तो इसकी जगह हम रखेंगे टी डी एस, टी एच इज इक्वल टू टी डी एस प्लस वी डी पी, देन टी डी एस इज इक्वल टू डी एच माइनस वी डी पी, ये इक्वेशन नंबर टू है। दो टी डी एस इक्वेशन है जो कि फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ को कम्बाइन करती हैं। हाँ, डेरिवेशन जो है हमने रिवर्सिबल मान के किया है, दो टी डी एस इक्वेशंस वर डेवलप्ड विद रिवर्सिबल प्रोसेस इन माइंड, बट द रिजल्ट्स ऑब्टेंड आर एप्लीकेबल इवन व्हेन द एक्चुअल प्रोसेस इज इरिवर्सिबल बिटवीन द सेम इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। मतलब कि प्रोसेस कुछ भी हो, रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, टी डी एस इक्वेशंस दोनों, टी डी एस इज इक्वल टू डी एच माइनस वी डी पी एंड टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, दोनों हर सिचुएशंस में हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम कर्व्स ऑन टीएस डायग्राम। देखो टीएस डायग्राम में हमने जो एडियाबेटिक प्रोसेस पढ़ा था वो एकदम वर्टिकल लाइन था, टीएस डायग्राम में जो आइसोथर्मल प्रोसेस है वो हॉरिजॉन्टल लाइन थी। अब जो रह जाती है वो कांस्टेंट वॉल्यूम लाइंस एंड कांस्टेंट प्रेशर लाइंस है, तो इसके बाद जो भी आपसे प्रोसेस बनवाया जाएगा आप टी डी एस डायग्राम में प्लॉट इजीली कर पाएंगे, कोई पी वी डायग्राम दिया तो उसको आप टी एस डायग्राम में कन्वर्ट कर पाएंगे। पहली टी डी एस इक्वेशन यूज़ करते हैं, टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के लिए। अब कॉन्स्टेंट वॉल्यूम में तो डी वी जीरो हो जाएगा, तो नेट इक्वेशन बची टी डी एस इज इक्वल टू डी यू। अगर वन के जी के लिए बात करें तो टी डी एस इज इक्वल टू डी यू स्मॉल एस एंड स्मॉल यू, मतलब कि स्पेसिफिक क्वांटिटी के लिए हमने यूज़ किया, स्पेसिफिक मीन्स स्पेसिफिक एंट्रोपी एंड स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी मीन्स पर यूनिट मास। तो टी डी एस इज इक्वल टू सी वी डी टी, हमने पढ़ा था कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तो कोई भी सब्सटेंस हो डी यू विल बी इक्वल टू एम सी वी डी टी। रीअरेंज करेंगे डी टी बाय डी एस विल बी इक्वल टू टी बाय सी वी विच विल बी इक्वल टू स्लोप, टी एस डायग्राम का स्लोप हो जाएगा ये। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्स्टेंट प्रेशर कर्व, सेकेंड टी डी एस इक्वेशन यूज़ करेंगे, टी डी एस इज इक्वल टू डी एच माइनस वी डी पी, कॉन्स्टेंट प्रेशर है तो डी पी जीरो हो जाएगा, टी डी एस इज इक्वल टू सी पी डी टी। हाँ, हमने पढ़ा था जब भी कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस होगा
चाहे सब्सटेंस कोई सा भी हो, डी एच विल बी इक्वल टू एम सी वी डी टी। इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, डी टी बाई डी एस इज इक्वल टू टी बाई सी पी विच विल बी इक्वल टू स्लोप। देखिए एक कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के लिए स्लोप अपना आया था टी बाई सी वी एंड कॉन्स्टेंट प्रेशर के लिए स्लोप आया टी बाई सी पी। अब सी पी ज़्यादा है, अगर डिनोमिनेटर ज़्यादा है इसका मतलब है ओवरऑल स्लोप कम होगा। सी वी कंपेरेटिवली कम होता है सी पी से, क्योंकि सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर होता है जो कि हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो सी वी हमेशा सी पी से कम होगा। अब सी वी कम है डिनोमिनेटर तो डेफिनेटली स्लोप ज़्यादा होगा। देखिए जब भी अपना प्रेशर एंड वॉल्यूम कर्व एक साथ बनाएंगे तो जो प्रेशर का स्लोप है वो कम रहेगा कॉन्स्टेंट प्रेशर लाइन का, एंड कॉन्स्टेंट वॉल्यूम लाइन का स्लोप हमेशा ज़्यादा रहेगा। अगर रिवर्स डायरेक्शन में देखें तो कॉन्स्टेंट प्रेशर का स्लोप कम रहेगा और कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का स्लोप ज़्यादा रहेगा। बस यही चीज़ ध्यान देने की, कई बार डायरेक्टली भी पूछ लेता है ईएससी के ऑब्जेक्टिव्स में। आई होप इस पर्टिकुलर लेसन से आपको सारी चीज़ें समझ आई। आप टीएस डायग्राम पर्टिकुलरली किसी भी प्रोसेस किसी भी साइकिल का आप बना पाएंगे। एग्जांपल के तौर पे आप दो चार साइकिल उठाइए जिनको आप पीवी में प्लॉट करेंगे, फिर उनको आप टीएस में भी कन्वर्ट करके देखेंगे। अगर आपको कोई इशू नहीं आया तो वेल एंड गुड, आप सब समझ गए हैं, कॉशंस करिए। नहीं आया है, कुछ इशू आता आपको कन्वर्जन में, तो फिर आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। स्टे फोकस्ड एंड डू वेल।